सफर में कपड़े और सामान रखने के काम आने वाले एक नहीं पूरे 27 ट्रॉली बैग में 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। गेहूं और चावल रखने के काम में आने वाली 16 बोरियों में 1000 के नोटों की गड्डियां मिली और दो दो अलमारियों के हर खाने में सिर्फ 500 और 1000 के नोट मिले हैं। ये कहानी कोलकाता शहर की है जहां आयकर विभाग के छापे में 70 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। गुरुवार सुबह आयकर विभाग और कोलकाता पुलिस की 100 लोगों की टीम ने संकरी गलियों में बने इन मकानों पर धावा बोल दिया। अलीपुर और शरद बोस रोड पर हुई छापेमारी में मिली रकम देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। पास के ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से करीब 1 दर्जन नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई। नोटों की गिनती के बाद लोहे के चमचमाते संदूक मंगाए गए ताकि छापे में मिली रकम को संदूक में सुरक्षित रखा जा सके। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक आयकर विभाग ने 7 ठिकानों पर छापा मारा। छापे में मिली रकम को 1000 करोड़ के हवाला रैकेट का हिस्सा बताया जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि छापे में मिली करोड़ों की ये रकम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक पहुंचानी थी। पैसे कोलकाता में जमा करके रखे थे जिसे दुबई के रास्ते दाऊद के ठिकाने पाकिस्तान तक ले जाना था। जांच एजेंसियां ये खंगालने में जुट गई हैं कि क्या ये पैसा वाकई डी कंपनी को भेजा जाना था। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को कुछ दिन पहले खबर मिली कि दक्षिण भारत की एक लॉटरी कंपनी कोलकाता में अपने पैर पसार रही है। ये कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइज, माँ तारा लॉटरी और डी नागराज लॉटरी के नाम से रजिस्टर्ड है। आयकर विभाग ने जानकारियों के आधार पर जाल बुनना शुरू किया तो पता चला कि कोलकाता और सिलीगुड़ी में कंपनी ने कई दफ्तर खोल रखे हैं और इन दफ्तरों में करोड़ों रुपए छिपा रखे हैं। डेली मेल की खबर के मुताबिक आईबी सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान से चल रहा यह हवाला रैकेट 4000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। पैसे की उगाही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में लॉटरी रैकेट के जरिए की जाती थी। कैसे चलता है फर्जी लॉटरी का रैकेट? डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट से जुड़े भारतीय एजेंट देश भर में लोगों को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी लॉटरी निकली है। जिन लोगों को विनर बताया जाता है उन्हें एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसमें जीती हुई राशि पाने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज जमा करना होता है। जैसे ही लोग पैसा जमा करते हैं भारतीय एजेंट पैसा निकाल लेते हैं और हवाला रैकेट के जरिए पैसा दुबई होते हुए पाकिस्तान भेज दिया जाता है। भारतीय एजेंट इसके लिए अलग अलग लोगों से बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड किराए पर लेते हैं और बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। खुफिया एजेंसियों को ऐसे 1162 बैंक अकाउंट नंबर मिले हैं जो इस रैकेट में इस्तेमाल किए।